हेलो बच्चों, आज किस वीडियो में हम सीखेंगे गुणा करने का भयंकर ट्रिक। तो चलिए वह ट्रिक है क्या, जल्दी से देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखें, हमने लिखा ऊपर में सेम और टेन। सेम और टेन कहने का मतलब क्या है इसको सबसे पहले समझते हैं। यानी जो भी संख्याएं दी गई है उसमें क्या बना होना चाहिए, एक साथ एक साइड में सेम होना चाहिए, यानी सेम डिजिट सेम नंबर्स दिखने चाहिए, और दूसरी तरफ के अंकों का योग संख्याओं का योग या तो 10 होना चाहिए, नहीं तो क्या होना चाहिए, 10 का घात होना चाहिए। यानी 10 का घात का मतलब 10 भी हो सकता है, 10 का पावर 1, 10 का पावर 2 यानी 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 10000 भी हो सकता है, 1,00,000 भी हो सकता है, आगे भी हो सकता है। तो चलिए प्रयोग करके देखते हैं कि इसको बनाते कैसे हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास दिख रहा है, 6 और 6 दिख रहा है, यहाँ 8 और 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10 होगा। ठीक है, तो यानी हमने यहाँ पर एक लाइन खींच दिया। देखिए ये हो गया सेम, सेम लिखा हमने, तो ये 6 और 6 सेम है, और इधर 8 और 2 जोड़ने पर कितना होता है, 10। तो मिला हमें सेम और ये हो गया 10, यही सेम और 10 का मतलब है। तो अब इसको बनाने के लिए हम करेंगे क्या, तो सबसे पहले देखिए 2 में 8 का गुणा करेंगे, 2 8 16, और फिर से 6 में 6 का गुणा ना करके, नहीं करना हमें 6 में 6 का गुणा नहीं करना, हमें 6 में 1 अधिक यानी 7 का गुणा करना है। तो 6 7 42, ये हमारा जो गुणा होगा ना ये हमारा आंसर होगा, है ना आसान। तो चलिए अगला देखते हैं, अगला यहाँ देखिए हमने बना दिया इसको सेम और टेन, 7 और 3 10 और 4 और 4 यानी सेम और टेन। ठीक है, तो 7 में 3 का गुणा करेंगे तो 7 तरीके 21, और फिर से 4 में 4 का ना गुणा करके हम क्या करेंगे, 4 में 5 का गुणा करेंगे तो 4 5 20, ये हो गया हमारा उत्तर। तो चलिए अब अगला देखते हैं, यहाँ पर देखें यहाँ 2 और 2 सेम दिख रहा है, और 98 में 2 जोड़ेंगे तो 100 होगा, यानी सेम मिल गया और 10 मिल गया, यानी 98 में 2 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा जी, 100, और 100 मतलब क्या, 10 का पावर 2 यानी 10 का घात मिला। यानी हमने बोला कि 100 भी मिल सकता है, 1000 भी मिल सकता है, 10000, 1,00,000, 10,00,000 इस तरह से मिल सकता है, यानी 10 के घात में होना चाहिए, तभी हम इस नियम का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो अब देखिए अब क्या, 98 में 2 का गुणा करेंगे, 2 8 16, 16 के 6 बचा 1, 2 9 18, 18 और 1 19। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसको गुणा किया गया तो 3 डिजिट आया, लेकिन इसमें 2 डिजिट और 2 डिजिट 4 डिजिट है ना, तो 1 डिजिट हमें और प्रयोग कर लेना है, आई बात समझ में, तो 0 इसके पहले लगा लेंगे। ठीक है, अब देखिए 2 में 2 का गुणा नहीं करना है हमें, 2 में 3 का गुणा करना है, तो 2 3 6 ये हमारा उत्तर होगा, आई बात समझ में। अब देखिए अगला क्या है, यहाँ पर क्या है, सेम और टेन यानी सेम, यानी 10 और 10 हो गया सेम, और 6 और 4 क्या हो गया, 10 हो गया ना, तो 6 चौके 24। ठीक है, अभी देखिए 1 और 1 2 डिजिट है ना, और गुणा भी इसका क्या है, 2 डिजिट में, तो हमें 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है। गुणा जब कम डिजिट में आए और डिजिट की संख्या यहाँ 2 और 2 4 है, तब हमें 0 लगाएंगे जितना ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, 10 में 10 का गुणा तो करना नहीं है हमें, 10 में 11 का गुणा करना है, तो 11 दहा में 110, ये हमारा गुणा होगा। अगला देखते हैं, 99 में 1 जोड़ेंगे, 100 मिलेगा, यानी 10 का पावर 2 मिला। ठीक है, और 3 जो हुआ सेम हो गया, सेम मिला और यह 10 मिल गया, यानी ये क्या हो गया, 99 में 1 का गुणा करेंगे तो 99 मिलेगा। ठीक है, और फिर से 2 डिजिट में आया ना, और 2 और 2 4 डिजिट दिख रहा है ना हमें यहाँ, तो हमें 2 डिजिट और भी बढ़ाने पड़ेंगे, यानी 2 0 इसके पहले लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए 3 में 3 का गुणा नहीं करना है, 3 में 4 का गुणा करना है, यानी 3 चौके 12, ये हमारा गुणा होगा। तो अब क्या करेंगे आप, जो अगला गुणा है ना, इस गुणा का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे।